गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज थैंक यू निकुंभ सर उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है सुरेश उनियाल। पहले मैं आपको बच्चे से मिलवाऊं तो ये है ईशान अवस्थी, 10 साल के हो गए हैं, लेकिन 2 साल से तीसरी कक्षा में ही पढ़ रहे हैं। इन्हें अगर आनंद आता है तो रंगों, मछलियों, पतंगों और अपने पालतू कुत्ते की संगत में। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है इनकी समझ में नहीं आता था। कुछ पढ़ने की कोशिश में सारे अक्षर आँखों के सामने डांस करने लगते हैं। होमवर्क से इन्हें चिढ़ थी। रिपोर्ट कार्ड इनके लिए कागज़ का टुकड़ा भर था, जिसका इस्तेमाल इनके डांगी या ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे, उसे छिंदी छिंदी करके। मतलब यह लड़का ईशान अवस्थी पढ़ाई में बिल्कुल ही रुचि नहीं था, उसे खेल कूद ही पसंद था। टेस्ट में सवाल था 3 × 9 कितने। सामने आ गए सौर मंडल के 9 ग्रह। केतु के पास ले गया, दोनों में टक्कर हुई और 9 हो गया चूर चूर। बचा क्या 3? लिख दिया आंसर शीट पर। ईशान का तरीका तो यही था, मतलब उसे ना ही टेबल्स आते थे और ना ही पढ़ना लिखना आता था। पहले पीरियड में क्लास से बाहर कर दिए तो दूसरे पीरियड में इसलिए बंक कर गए कि मैथ्स का होमवर्क तो किया ही नहीं था। निकल गए अकेले सड़क पर। रात को याद आया तो बड़े भैया योहान को जगाकर उनसे एब्सेंट नोट तैयार कराने के लिए खुशामदी की, रिक्वेस्ट की, मतलब लीव लेटर लिखाने के लिए। पापा को पता चला तो डांट पड़ी। अगले दिन पापा स्कूल में टीचर से मिले तो और बहुत सी बातों का पता चला। तय हुआ कि ईशान को अब बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल वाले ठोक पीट कर ठीक कर देते हैं। ईशान चिल्लाता रहा कि गया कि वह बोर्डिंग स्कूल नहीं जाएगा, माँ से दूर नहीं जाएगा, लेकिन पिता नहीं माने। वहाँ से पिता को आश्वासन मिला कि यहाँ तो बड़े बड़े बिगड़ेल घोड़ों को नाल पहनाई है हमने। और था भी कुछ ऐसा ही। यह टीचर डपटते कुछ इस तरह कि वह डांट कम और अपमान ज़्यादा होता। ड्राइंग टीचर तो पिटाई करने से भी नहीं चूके। बात करने के लिए था तो साथ बैठने वाले लड़का राजन दामोदरन, जो बैसाखियों के सहारे चलता था। परिवार से दूरी और हर बात पर अपमान ने ईशान को तोड़ कर रख दिया। वह अपने में ही सिमट कर रह गया, मतलब गुमसुम सा रहने लगा हॉस्टल में। जबान जैसे मुंह के अंदर बंद होकर रह गई, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। माँ का फोन आया तब भी यह जबान बंद ही रही। वह बता रही थी कि इस शनिवार को मिलने नहीं आ पाएंगी, क्योंकि भाई योहान का टेनिस मैच था। माँ बात करती जा रही थी और ईशान फोन नीचे रखकर चला गया था, सिर झुकाए चुपचाप, क्योंकि वह माँ से बहुत प्यार करता था। वह माँ के बिना नहीं रह सकता था। एक दिन एक नए ड्राइंग टीचर आए, राम शंकर निकुम, वही गुरु जिनका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। आए भी तो एक तूफान की तरह, नियम कायदे अनुशासन को तोड़ने का संदेश के साथ। जो मन में है, जो आपकी कल्पना में है, उसे कागज़ पर उतारे। हर बच्चा अपने मन से चित्र बना रहा था। पूरे क्लासरूम में जैसे रंगों का एक कार्निवल सा सज रहा हो, लेकिन कागज़ की एक शीट अब भी कोरी थी। निकुम सर की नज़र इस कार्निवल पर से घूम घूम कर उस सफ़ेद शीट की ओर जाती है, इस उम्मीद के साथ जाती कि वहाँ रंगों ने अपना खेल शुरू कर दिया होगा, लेकिन शीट तो कोरी ही मिलती। उस चुप्पे से बच्चे से बात करने की कोशिश की, लेकिन जबान तो क्या, उसकी उदास आंखें भी
कुछ बोलने से इनकार कर रही थी। उसके बारे में जानने के लिए ईशान की दूसरे विषयों के होमवर्क की कापियां देखी। कुछ और अधिक जानने के लिए मुंबई उसके घर चले गए निकुम सर। ईशान की चीज़ें देखी तो पता चला कि उस छुपे से बच्चे के भीतर तो एक रंगों का जादूगर छिपा बैठा है। कल्पनाशीलता की जो उड़ान यहाँ है वह किसी आम बच्चे में तो ही नहीं होती। ना समझी एक इतनी बड़ी प्रतिभा को बर्बाद कर रही है। तय किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। पहले तो पिता को डांट पिलाई, बताया कि डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को शब्दों और अंकों की जटिल प्रक्रिया को समझने में दिक्कत होती है। वही ईशान भी उसी दौरे पर चल रहा था। जो चीज़ें आम बच्चे को आसानी से समझ में आ सकती है उन्हें समझाने के लिए उस पर अतिरिक्त मेहनत की जाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके उस एक अक्षमता मतलब जो एक ही कमी को लेकर कोसते रहने से एक कलाकार के रूप में उसकी प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह निकुम सर उनके माता पिता से कहते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल को भी समझाया कि एक होनहार बच्चे को नालायक मानकर कोसा जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। उसे डांट की नहीं समझे जाने की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है। वह अपने काम पर लग गए। उस चुप्पे बच्चे की पहले तो जबान लौटाई, फिर उसकी कल्पना शक्ति और कुछ कर दिखाने की इच्छा। दूसरे विषयों पर भी वे उसके साथ मेहनत करते रहे। और फिर एक दिन निकुम सर ने एक अनोखा ऐलान किया कि स्कूल में एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन होगा और उसमें सब हिस्सा लेंगे, बच्चे भी और टीचर भी। नियत दिन पर कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है। सब आए लेकिन ईशान का कहीं पता नहीं रही। समय हो गया था। राजन से पूछा तो पता चला कि वह तो सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। वह गया था झील के किनारे, उसके पूरे वातावरण को सुबह की आभा में अपने भीतर समेटने। एक घंटा बीत गया था। निकुम सर निराश हो गए थे, लेकिन तभी वह दिखाई दिया और बिना कुछ बात किए काम पर लग गया। निर्णय के लिए आई थी प्रख्यात चित्रकार ललिता लाजमी। प्रिंसिपल साहब ने निर्णय की घोषणा की तो दो चित्रों के बीच टाई हो गया। जीतना तो एक को ही है, लेकिन यहाँ पर गुरु निकुम सर के पीछे रह गए किससे, ईशान से, और जीत गया शिष्य ईशान। तालियों का शोर हो रहा था, लेकिन ईशान अपने में सिटा बच्चों के पीछे दुबका जा रहा था। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट छपी तो उसके पहले आवरण पर छपी थी ईशान की पेंटिंग और पीछे के पृष्ठ पर निकुम सर की पेंटिंग। ईशान का चेहरा रंगों के अंतरिक्ष के बीच में खुशी से खिला हुआ। ईशान को यह खुशी देने के लिए धन्यवाद निकुम सर। तो स्कूलों में इसी तरह के शिक्षक होनी चाहिए कि बच्चों को उनके कला के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जो एक ही सब्जेक्ट को लेकर उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह निकुम सर ने किया है और उस ईशान को उन्होंने आगे बढ़ाया है और उसे प्रेरणा दी कि उसे अपने ही सब्जेक्ट में अपने ही कला में आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दिया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ से क्या सीख मिलती है। यह सीख मिलती है कि हर एक अध्यापक को बच्चों की कमियों को हमें परखनी चाहिए और उन्हें उन्हीं की कला में हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।